नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो अभी कुछ मिनटों पहले UPPSC लोअर की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था, क्योंकि पहले ये वैकेंसी UPPSC करवाता था। अब क्योंकि उसमें जो पोस्ट 4600 से कम ग्रेड पे की थी, उनको UPPSC ने UPPSC को दे दिया था। तो काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अब वैकेंसी आएगी, और बीच में कुछ अपडेट्स ऐसी भी आई थी, क्योंकि जो 10% आरक्षण है, इसकी वजह से शायद इसका नोटिफिकेशन डिले हो जाए। लेकिन आयोग ने ऐसा ना करते हुए इसके नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया, जबकि आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी थी वो शायद अब कुछ समय के बाद आएगी। तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब के लिए आप वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म की जो आवेदन तिथियाँ हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 30 जनवरी से, ठीक है। तो आप 30 जनवरी से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और कब तक डेट रहेगी, तो डेट्स आपकी रहेंगी ये 19 फरवरी तक, ठीक है। तो आप 30 जनवरी से 19 फरवरी तक इन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते तो गलती को जो सुधारने की तिथि है वो आपकी 26 फरवरी तक दे दी गई है, ठीक है। ओके, तो आगे हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। तो पोस्ट आप देख सकते हो इसके अंदर कि सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्टें हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी की, सहायक आयतीकरण की, अपर जिला सूचना अधिकारी, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी। इसके अलावा जो राजस्व निरीक्षक, जो आपका कानून गो होता है, जिसकी वैकेंसी को लोगों काफ़ी हद तक इंतजार रहता है, तो आपको कानून गो की भी वैकेंसियां इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर इसमें आपको 672 वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं, कुल आपको 672 वैकेंसियां देखने को इसमें मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं। अब अगर बात करी जाए पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो पेपर पैटर्न में देखो आयोग ने ये बात कही है, आप देख सकते हैं, प्रारंभिक व मुख्य अथवा मुख्य परीक्षा। तो इसका मतलब क्या है, आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आयोग पहले एक पेपर कराएगा। अब उसमें अगर उससे लगता है कि नहीं, अगर वो सिर्फ इसी पेपर के थ्रू बच्चों को फिल्टर कर लेगा, वो बच्चों को चूज कर सकता है, तो वो मुख्य परीक्षा नहीं कराएगा। लेकिन अगर उसे लगता है, जैसा काफ़ी दिनों से ऐसी डिमांड हो रही थी पालीवाल जी के शासनकाल में, कि एक स्क्रीनिंग पेपर कराया जाएगा, तो वो पहले पेपर को स्क्रीनिंग करते हुए बाकी दूसरा पेपर भी करवा सकता है। तो मेंस होगा कि नहीं होगा, ये आयोग पूर्णतः बाद में डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो आइए आगे चल के हम देख लेते हैं पहले चीज़ों को, बाकी क्या क्या चीज़ आपको लगनी है। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए सारी वही चीज़ें हैं जो आप अभी तक हमेशा करते आए थे, वैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी, वैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी है, तो फीस इसकी रखी गई है 200 रुपये प्लस 25 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 225 रुपये जनरल और OBC के लिए, जबकि SC ST के लिए 105 105, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए सिर्फ 25 रुपये ही रखे गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं बात करने की, तो आगे आप देखते हैं वैकेंसियाँ क्या क्या इसमें आएंगी। तो जो पहली वैकेंसी आपकी है वो है सहायक चकबंदी अधिकारी की, तो जो कि आपके लेखपाल से एक रैंक ऊपर होती है, क्योंकि इसका ग्रेड पे कितना है 4200 ग्रेड पे, मतलब ये एक सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब हो सकती है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी, उम्र 21 से 40 वर्ष। अब उम्र कब से मांगी गई वो आपको हम नोटिफिकेशन में दिखाते हैं। कुल वैकेंसियाँ कितनी है, कुल वैकेंसियाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी 94 वैकेंसियाँ इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो 94 है, और नेचर कैसा जॉब का, अस्थाई है, आप कैटेगरी वाइज भी डिवीजन यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक की वैकेंसियाँ मिला करके काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें आपको विपणन निरीक्षक की मिल सकती हैं देखने को 194 और पूर्ति निरीक्षक की 151, क्योंकि वैकेंसियाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, ये 2400 ग्रेड पे है, थोड़ा इसका ग्रेड पे कम है, ये क्लर्क लेवल की जॉब है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग, इसकी ग्रेड पे 2800 है, तो इसकी भी ग्रेड पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लुक्रेटिव जॉब ये भी रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो अधिशासी नगर पंचायत, ये भी 2800 ग्रेड पे है, और साथ में आपका राजस्व निरीक्षक की भी पोस्ट लिस्ट में दी हुई है। तो कुल अगर आप पोस्टें देखेंगे तो कुल पोस्ट हैं आपकी 672 हैं। तो भी आप जॉब के नेचर को अस्थाई है कि अस्थाई, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, फिलहाल आपका पेपर होने वाला है और आपको उसी पर पूरे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल आपको 672 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, और साथ साथ में यहाँ पर जो आपका हमेशा से होता है क्षैतिज आरक्षण, उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप PDF आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे जाकर, तो आप वहाँ देख सकते हो कि क्षैतिज आरक्षण का भी यहाँ पे जो हमेशा से होता है वो यहाँ पे फिर से उसको लागू किया गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो जो वैकेंसियाँ हैं ये आगे बढ़ भी सकती हैं, आप देख सकते हो कि रिक्तियों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आगे घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी मांग ली गई हैं। तो पहली अगर हम बात करते हैं सहायक चकबंदी
अधिकारी की, सहायक चकबंदी अधिकारी की। तो इसके लिए बस आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ आपके पास, आपने कहीं से भी किसी लीगल यूनिवर्सिटी से आपने अगर बेसिक ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल रहोगे। नेक्स्ट अधिमानी, तो अधिमानी का मतलब ये होता है कि जैसे मानो कि लास्ट वैकेंसी है और उस पर दो बच्चे फंसे हुए हैं, तो दोनों में से किसको प्रेफर किया जाएगा। तो प्रेफर करने के लिए क्या है, अगर आपने लॉ से पढ़ाई की हुई है, या फिर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल दिए हैं, या फिर आपके पास NCC का बी सर्टिफिकेट है, तो ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी अगर मान लो दो बच्चों में विवाद फंसता है तो उसमें उसी बच्चे को प्रेफर की जाएगी जिनमें इनमें से कोई भी चीज़ होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है विपणन निरीक्षक की। तो इसके लिए भी सिर्फ इतना कहा गया है कि आपके पास क्या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो कि हिंदी का ज्ञान आप में से सबको होता ही होता है। और अधिमानी अर्हताएं वही हैं कि 2 साल टेरिटोरियल आर्मी या फिर NCC का बी सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में कोई स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूर्ति निरीक्षा की, तो इसके लिए भी सेम वही चीज़ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको हिंदी का ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हता है वही चीज़ है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सहायक उद्यान निरीक्षक का, तो इसमें जो बेसिक ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc आपने बायो से किया हो, ठीक है, तो फिजिक्स मैथ्स वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने एग्रीकल्चर से आपने BSc करी हुई है या फिर आपने बायोलॉजी से की हुई है, तो इसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए। तो इसके लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने स्नातक उपाधि करी गई हो, ठीक है, और या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो। तो इसमें एक खास बात यह भी है कि आपके पास हिंदी एज अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी आपके पास होना ही होना चाहिए, या फिर आप जिसमें इंग्लिश रही हो उन दोनों में से आपको करना, मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी या फिर सब्जेक्ट एक विषय रहना चाहिए। और अधिमानी में वही चीज़ है, ठीक है, कि जिसके हिंदी के अतिरिक्त एक कोई किसी ने अन्य भाषा भी पढ़ रखी है। तो ये कुछ स्पेशल ग्रेजुएशन वाली चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अधिशासी अधिकारी, ठीक है, तो अधिशासी अधिकारी में अनिवार्य चीज़ें क्या हैं, आप अनिवार्य ये देख सकते हो कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ साथ में आपके पास ओ लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास ओ लेवल भी होना चाहिए अगर आप अधिशासी अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं राजस्व निरीक्षक के लिए। तो इसमें आपको पता है जो हमेशा से होता था, पिछली बार भी आई थी, तो यही चीज़ें थी कि आपके पास कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, आपके पास कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए। तो शुरू की जो दो तीन वैकेंसियाँ थी वो सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए थी, बाकी में आपके पास ओ लेवल या फिर कुछ BSc AG जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2019 से करी जाएगी। एज की जो कैलकुलेशन है वो आपकी 1 जुलाई 2019 से आपको देखने को मिलेगा। कुछ वैकेंसी आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ में 18 से 40 है और बाकी में 21 से 40 है। तो जिनमें 18 से 40 है उनके लिए यह है कि 2 जुलाई 1979 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2001 से बाद का ना हो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि 1 जुलाई 2001 के बाद आपको DOB नहीं होनी चाहिए। और जिनमें 21 साल मांगी गई है उनकी जो है 2 जुलाई 1979 से पहले की ना हो और 1 जुलाई 1998 के बाद की ना हो। ठीक है, तो ये कुछ एज का क्राइटेरिया जिसको आपको फॉर्म भरते समय ठीक से ध्यान देना ही देना होगा। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से, जैसे आपने वीडियो का फॉर्म भरा होगा तो उसमें 3 पोस्टें थी, तीनों में आपसे प्रेफरेंस मांगी गई थी, वैसे ही इसमें भी आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी और प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से भरना होगा। प्रेफरेंस भरते समय आपको ध्यान देना है कि आपको उन्हीं पोस्टों के लिए अप्लाई करना है जिनके लिए, जैसे आप राजस्व निरीक्षक तभी भर सकते जब आपके पास इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आप अधिशासी अधिकारी तभी भरेंगे जब आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, वरना आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, मे बी कि आपका कैंडिडेचर भी रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आप गलती मत कर देना, फॉर्म भरते समय आप पद का क्रमांक तो उसमें दिया ही है, साथ में आपको वरीयता क्रमांक भी भरना उसमें पड़ेगा, तो उसमें आप बिल्कुल भी गलती मत करना। अब आते हैं एक खास बात, इसका सिलेबस क्या होने वाला, तो सिलेबस के बारे में अभी भी कुछ क्लियर चीज़ें नहीं दी गई। आप देख सकते हो कि चयन का आधार लिखित परीक्षा, ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी, ऑनलाइन ऑफलाइन सम्मिलित सवर अधीनस्थ, मतलब जो भी आपको UPSC है के अंतर्गत उक्त परीक्षाएं ऑनलाइन भी करा सकता है।
ठीक है। और यहाँ पे कहा कि तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि अभी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जैसा आपका युवा विकास का पेपर था, मतलब मैथ्स रीजनिंग, मतलब मैथ्स प्लस साइंस एक सेक्शन में, रीजनिंग अलग सेक्शन में, जीके अलग सेक्शन में और हिंदी आपका अलग सेक्शन में, प्री में आपको ऐसा ही सिलेबस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 95% चांसेस है कि सिलेबस आपका यही रहेगा। बाकी कुछ आपके लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वो आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कुछ आप इसमें खास चीज़ें हैं नहीं, बस खाली आपको फॉर्म भरते टाइम इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।